ए, कौन है बे तू? यही तो मुझे तुमसे पूछना है, कौन है यहाँ का मालिक और ये जाली नोटों का कारोबार? पता पता कौन है तेरा मालिक? तो सर इसे अंदर डाल दीजिए। इसे क्यों? ये एक मुजरिम है सर, मैंने इसे जाली नोटों के व्यापार में पकड़ा। ये और जाली नोट का व्यापारी? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं तो इसे अच्छी तरह जानता हूं, बड़ा सीधा साधा आदमी है ये। नहीं सर, मैंने इसे रंगे हाथ तो पकड़ा है। जा बेंच पे बैठ जा। हवलदार इसका नाम आता पता लेकर रख। जा इसके बारे में मैं पूरी जानकारी ले लूंगा, जा। लेकिन सर मैं। अबे जा बोला ना, हमारा काम हमें करने दे, जा। यानी आप इसे लॉकअप में नहीं डालेंगे? अच्छा तो तू मुझे सिखा रहा है? एएसपी राज सेना, स्पेशल ऑफिसर क्राइम ब्रांच, बटन। मेरे अधिकार तो तुम जानते ही होंगे। यस सर, आप स्टेट के किसी भी कोने में इन्वेस्टिगेशन कर सकते, किसी भी केस का चार्ज ले सकते और मुझे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या वक्त आने पर मुझे सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तुम जैसे अफसरों ने रक्षक और राक्षस दो अलग अलग शब्दों का मतलब एक कर दिया है। तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना, तो पता करो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है। एंड आई वांट अ कंप्लीट रिपोर्ट, यू अंडरस्टैंड? और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके साथ साथ मैं तुम्हारा भी बयान लूंगा, समझे? और हां, मेरे पूछताछ का ढंग बहुत अलग होता है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये डीलिंग क्यों की? क्यों? रघु भाई, मजबूरी थी, बहुत पुराना कमिटमेंट था, और ये राज के डर की वजह से अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर हमारे उस आदमी ने जबान खोल दी तो हमारा ये धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा, ये सोचा है कभी तुमने? सोचने वाली बात ये है रघु भाई कि राज को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, वो भी कायदे से। राघवन साहब, मुझे बचा लो। राघवन साहब, मेरी वर्दी का सवाल है। मैं आपके एसीपी दोस्त को पहचानता नहीं था शक्ल से, इसलिए थोड़ी सी बदतमीजी कर बैठा उनके साथ। भारी पड़ गई ना बदतमीजी, लग गया ना जिलाब। रोक रहे तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे रिश्वत खाने वाले की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। किस बात के पैसे देते हम तुझे? हा? अगर हमारा आदमी तेरी कैद में है तो छोड़ दे उसे, वो भी किससे? कायदे से। कैसे छोड़ू मैं? वो एसपी मुझे धमकी देकर गया, अगर मैं उसका बयान नहीं लिया तो वो मेरा बयान लेगा। तू जानता नहीं उसकी ताकत को।
पूरे डिपार्टमेंट को हिलाने की ताकत रखता है वो। तेरा बयान लेकर ज्यादा में ज्यादा वो क्या करेगा? रोकने चिल्ला मत, हमेशा पैसा खाता है, एक बार मार नहीं खा सकता। बस। हेलो, कमिश्नर साहब है? हाँ, ठीक है, उनसे कहना कि राज सिन्हा का फोन था। हाँ। ये लो, खाओ। क्या है? पान। लेकिन तुम तो जानती हो मैं पान नहीं खाता। अरे ये पान नहीं है, वो पान है, माजी बंटी को घुमाने ले गई है, अब जल्दी से खा लो। लेकिन माजी और बंटी के बाहर जाने से इस पान का क्या ताल्लुक? अरे खाओ ना, जल्दी खत्म करो। कुछ हुआ? चूना ज्यादा है। धत, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझते ही नहीं, तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार ना करता ना तो बंटी पैदा नहीं होता। ज्यादा प्यार करूंगा ना तो अपने ही बच्चों के लिए नर्सरी खोलनी पड़ेगी। तुम नर्सरी की बात कर रहे हो, मैं तो हाई स्कूल के ख्वाब देख रही थी। सुमन राज हाई स्कूल, तुम वहां के हेडमास्टर और मैं वहां की। अरे राज कहां चले गए? हाँ रघु। अरे राज, कहाँ की तैयारी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों? जिस चालीनों छापने वाले गैंग के आदमी को मैंने पकड़ा है उसका बयान लेना है। तू यहाँ छुट्टी मनाने आया है या मुजरिमों की छुट्टी करने? हाँ ये तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ लेकिन ये मानते ही नहीं, खाना भी नहीं खाए और चल दिए अपनी ड्यूटी निभाने। सुमान भाई, ये तो गलत बात है, भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ। नहीं, मुझे बहुत काम है यार। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर की बात है, बस खाकर निकलते हैं। रघु बिल्कुल ठीक कहता है, अब थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माँ मुझे माँ कुछ नहीं, मैं खाना लगा दूँ, तुम लोग जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी। कुछ नहीं, चलो चलो भैया। बंटी, खाना लगने तक हम आंख मिचोली खेलते हैं। देखते हैं तुम्हारे डैडी हमें पकड़ पाते हैं या नहीं। अच्छा लेट काहे को आया मुझे बाहर निकालने? क्या कर रहा था तू अभी तक? रघु भैया बच्चों, बच्चों रघु भैया। तू पुलिस स्टेशन में मार के गया तो इंस्पेक्टर के झक मार रहा था, मुझे भी मार। हेलो, हाँ क्या? हाँ हाँ अच्छा मैं अभी आया। सर कौन था वो? तुम में से कोई उसे पहचानते हो? नहीं सर,
वो आंधी की तरह आया, हम सब पर हमला किया, पीटर को बाहर निकाला, जान से खत्म कर दिया और निकल गया सर। बहुत पूरा हुआ रघु, बहुत पूरा हुआ। पीटर का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन पर हमला और पीटर के खून ने यह साबित कर दिया कि यह कोई मामूली गिरोह का काम नहीं है। बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे। जो भी हो, बहुत ताकतवर है वो। बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए रघु। बस ज्यादा टेंशन मत ले। कल सुबह बंटी के मुंडन के लिए मेले में जाना है ना, जा जाकर सो जा। हेलो। जाली नोटों का कारोबार करने वालों की ताकत का अंदाजा मिल गया ना एसपी साहब। देखो तुम जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ सर। कल सुबह आप मेले में अपने बच्चे के मुंडन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ। मैं आपको वहीं मिलकर बता दूंगा कि जाली नोटों का कारोबार कौन करता है। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? उसी आदमी का जिसने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी। कहता है कल सुबह मेले में मिलकर मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। यही पर। बोला मैं इधर हूँ बाबा। हाँ मैं अच्छा। सुमन बेटे मुन्ने को ले लो। चल ना ये लो। आओ इधर। बोला तू इन लोगों के साथ रह, मैं अभी आया। ठीक है ठीक है, तू अपने सारे काम निपटा और जरूरत पड़े तो मेरे को बुला लेना, मैं यहीं। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं मारना, मैं इस मेले में खोना नहीं चाहता। अब तू जा। आपको जिसकी तलाश है मैं वही हूं। नकली नोट बनाने वाले गिरोह के बारे में तुम क्या जानते हो? जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिर्फ एक नकली नोटों का व्यापारी नहीं बल्कि एक कातिल भी है। उस आदमी का नाम क्या है? रघु भैया, मैं अपने मुन्ने का मुंडन आप ही की गोद में कराऊंगी। हाँ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी और क्या। चलो बंटी, अपने मामा की गोद में बैठ जाओ। झूठ बोल रहा है तू। मेरा रघु ऐसे नहीं कर सकता। झूठ बोल रहा है तू। मेरा यकीन कीजिए सर, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए। यही फोटोग्राफ्स के वजह से उसने मुझे मार डालने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया। और अब सर, अब उसके खिलाफ एक एक जुर्म की गवाही देने को तैयार हूं मैं। ये पता नहीं राज कहाँ चला गया, क्या करें? राज आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। बैठ जाइए माँ जी, मैं देखता हूँ। बैठिए बैठिए।
बैठ जाइए, बैठ जाइए। बंदी को संभालो।